सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। और जब कैसे हो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो मेरे लोग में तो आपने देख लिया होगा, मैं हल्द्वानी रुका था और सौरभ जोशी से मिला था, एनटीयू जोशी से मिला था। और अब जो मेरा आगे का सफ़र है वो है नैनीताल का। तो फिलहाल मुझे एक भैया ऑटो वाले ने लिफ्ट दे दी है, वो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। अभी ये मेरे को छोड़ेंगे नैनीताल टैक्सी स्टैंड, जहाँ से मतलब नैनीताल की गाड़ी आ जाती है। तो अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा, और लिफ्ट मिली तो आज ही रवाना हो जाऊँगा नैनीताल के लिए, नहीं तो फिर देखते हैं आगे पैदल चलेंगे। बाय बाय हल्द्वानी। सो गाइस टैक्सी स्टैंड से हमें एक और गाड़ी मिल चुकी है जो कि हमें सीधा नैनीताल ले जाएगी। तो लिफ्ट मिल चुकी है हमें। गाइस रात हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत हो चुका है और कुछ व्यू नहीं दिख रहा। और गाइस जो ये लाइटिंग दिख रहे हो ना आप, जितनी भी लाइटिंग आपको दिख रही है ये सारे के सारे घर हैं, क्योंकि हम नैनीताल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। सो रात में कुछ व्यू अच्छा नहीं दिख रहा है और जितनी भी लाइटिंग है ये सारे के सारे घर हैं होटल से। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। और जब हल्द्वानी से निकले थे तो एक ऑटो वाले ने हमें लिफ्ट दे दी थी, फिर आगे आए तो एक भैया जा रहे थे, तो उन्होंने पहले तो हमें मना कर दिया था कि हम नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर उनसे रिक्वेस्ट की तब जाके उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। और जब हमने वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो भी नहीं बना पाया उस टाइम में। गाइस यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही तगड़ा है गाइस, और जो यहाँ की रोड है पूरी जलेबी रोड है। तो मैं ट्रैवलिंग करते टाइम ना बहुत ज़्यादा डर भी गया था, मतलब कि ऐसे ऐसे घूम रही थी पूरी रोड, ऐसे ऐसे घूम रही थी गाड़ी का व्यू कर व्यू कर, तो बहुत डर लग रहा था गाइस। और फिलहाल पहुँच चुके हैं नैनीताल, तो आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। अभी रात का टाइम है तो व्यू अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन दिन को मैं आपको पूरा नैनीताल दिखाऊँगा। तो अभी व्यू दिखा देते हैं आपको पीछे से, ये देख सकते हो आप, ये नहीं डाले अब ये मेरा हो रहा होगा तो कुछ दिखेगा नहीं मुझे पता है। सो गाइस ये है नैनीताल और नाइट व्यू देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिन में जो ये अच्छा दिखता है ना वैसे रात में नहीं दिखता है। तो सुबह हम इसका व्यू दिखाएंगे आपको। सो गाइस ये है नाइट का व्यू नैनीताल का, देख सकते हो नाइट में ये ऐसा दिखता है। तो सुबह मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, फिलहाल अभी हम टेंट लगाएंगे, हमारा जो कैंपिंग टेंट है वो लगाएंगे, जो बैग मैंने इधर रख दिया है बस, और अभी खोल के टेंट लगाएंगे और नाइट होल्ड यहीं पे करेंगे। उसके बाद में सुबह हम उठेंगे तो पूरा नैनीताल घूमेंगे और ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल टेंट लगा के अभी होल्ड करेंगे तो खाना वाना खा के वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हमारी मैगी तैयार हो रही है, देख सकते हो आप ये आधी तैयार हुई है, हो जाएगी थोड़ी देर में पूरी। फाइनली गाइस हमारे पहाड़ों की मैगी रेडी हो गई। अगर आप पहाड़ों में जाओ और मैगी ना खाओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, उसके बिना हमारी ट्रिप अधूरी है। तो हमारी भी टेंट और पहाड़ों की मैगी रेडी है और हम चलते हैं खाने के लिए सीधा। ये है मैगी, देख रहे हो कितनी स्वादिष्ट लग रही गाइस, ऐसी सर्दी में ना ऐसी गर्म मैगी मिल जाए तो और चाहिए भी क्या। ओ भाई सोने पे सुहागा। तो फिलहाल गाइस हम करते हैं मैगी खत्म, फिर उसके बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।